अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे घोटाले के आरोप पर मुख्यमंत्री की खामोशी को चुनौती देते हुए ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने 13 जनवरी को ईटानगर कैपिटल रीजन में 36 घंटे के बंद का आह्वान किया है। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री को 15 दिन के भीतर आरोप पर स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 7 दिन का समय और दिया गया है। संगठन ने साथ ही कहा है कि अगर मामले पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्याबांग जोरम ने कहा कि बंद का असर राज्य में चल रही बोर्ड की परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। रिगार्डिंग जो हम लोग ने जो आनिया जो हम लोग वीडियो और हम लोग ने बुक बना के आप लोगों के सामने मैंने हम लोग ने फ्लैश किया था एंड उस 15 डेज अल्टीमेटम हम लोग ये हम लोग ने बोला था कि हम लोग को जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए उसका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फैमिली का तरफ से हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए बोलकर उसमें उसका बाद हम लोग ने काफी दिन रुका एंड अगेन 5 डेज हम लोग ने रुका एंड उसका आफ्टर डेट हम लोग ने फिर 7 डेज का हम लोग ने अल्टीमेटम हम लोग ने दिया 7 डेज अल्टीमेटम देने का फिर भी हम लोग ने काफी दिन रुका बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।